हेलो एवरीवन, फार्मेसी प्रैक्टिकल्स में जो स्पॉटिंग रखी जाती है और स्पॉटिंग के बारे में लिखना होता है, तो हम लोग वो स्पॉट्स देखेंगे फार्मेसी प्रैक्टिकल्स में कौन कौन से रहते हैं होम्योपैथिक फार्मेसी। तो फर्स्ट इज़ परकोलेटर। सो परकोलेटर इज़ यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग द सोल्यूबल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ ड्रग ड्रग बाय द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट थ्रू द पाउडर ड्रग इन द परकोलेटर। तो ये अगर इंस्ट्रूमेंट अगर रहा तो इसे यू हैव टू आइडेंटिफाई, ओके, एंड इसे हमें ध्यान में रखना है, ये हमारे लैब्स में रहता है, तो इसे क्या कहते हैं, परकोलेटर। और परकोलेटर किस चीज़ में काम आता है, फॉर एक्सट्रैक्टिंग द सोल्यूबल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ ड्रग, ओके, बाय द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट। तो जो भी सॉल्यूबल कंस्टिट्यूएंट रहेगा वो सॉल्वेंट के साथ बाहर आ जाएगा। सो दिस इज़ वॉट द फंक्शन ऑफ परकोलेटर। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो स्पॉटिंग के लिए पूछी जा सकती है वो है ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एंड दैट इज़ वॉट इट इज़ अ हॉट एयर ओवन। ओके, वॉट इज़ अ हॉट एयर ओवन यूज फॉर? इट इज़ यूज फॉर इवेपोरेटिंग द मॉइस्चर ऑफ वेजिटेबल ड्रग, ओके, एंड सेकेंड फंक्शन इसका रहता है डिटर्मिनेशन ऑफ रॉ सब्सटेंस एंड अदर सॉलिड कंटेंट्स ऑफ मदर टिंचर। तो जो भी रॉ मटेरियल रहेगा मदर टिंचर को प्योर बनाने के लिए हॉट एयर ओवन यूज़ होता है। और मॉइस्चर जो भी रहेगा वेजिटेबल ड्रग के अंदर, उसे भी वेजिटेबल को हॉट एयर ओवन में रखा जाएगा और उसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर कंटेंट हॉट एयर ओवन के मदद से निकाला जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा उसका मॉइस्चर कंटेंट। द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट विच इज़ देयर इन द होम्योपैथिक फार्मेसी लैब इज़ अ डिस्टिलेशन अपैरेटस। वॉट इज़ अ डिस्टिलेशन अपैरेटस यूज फॉर? इट इज़ यूज फॉर डिस्टिलेशन। एंड वॉट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिलेशन? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर थ्रू बॉयलिंग एंड कंडेंसेशन। तो डिफरेंट डिफरेंट बॉयलिंग पॉइंट्स पे हमें डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस इवेपोरेट होता है, एंड देन वापस यहाँ पे दोनों भी प्रोसेस चलता है, इवेपोरेशन का प्रोसेस यहाँ पे चलेगा और उसके बाद वो सब्सटेंस हम इवेपोरेशन के मदद से हमें ऑब्टेन करना है। तो कैसा? विद द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन वी विल कलेक्ट इन दिस। नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल। स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल डिटरमाइंस द लिक्विड डेंसिटीज ऑफ सब्सटेंसेस। तो जो भी लिक्विड मटेरियल रहेगा उनकी डेंसिटीज निकालने में स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल यूज़ होती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल हमें वहाँ पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मेन थिंग इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड देन राइटिंग अबाउट इट वॉट इज़ द फंक्शन ऑफ दैट। और नेक्स्ट इज़ वाटर बाथ। तो दो तरीके के वाटर बाथ रहते हैं, एक ये रहता है और एक ये इलेक्ट्रिक वाटर बाथ। ओके, वाटर बाथ इलेक्ट्रिक। तो इन दोनों का फंक्शन क्या होता है? वाटर बाथ इज़ यूज टू कैलकुलेट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सब्सटेंस और फॉर इनडायरेक्ट हीटिंग एट लो टेम्परेचर एंड फॉर सब्लिमेशन। तो इन तीनों चीज़ों के लिए हमें वाटर बाथ की ज़रूरत पड़ती है। मॉइस्चर कंटेंट कितना है सब्सटेंस के अंदर फॉर और इनडायरेक्ट हीटिंग के लिए भी हम लोग वाटर, मतलब डायरेक्ट हीटिंग नहीं देना है, सब्सटेंस जल जाएगा, तो इनडायरेक्ट हीटिंग किसकी मदद से देंगे? वाटर बाथ की मदद से। और सब्लिमेशन यानी सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गेट कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स, लिक्विड स्टेट बीच में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट मोटर एंड पेस्टल्स। तो मोटर एंड पेस्टल्स कई तरह के होते हैं, आई विल बी डिस्कसिंग दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर एंड पेस्टल्स। बट स्पेसिफिकली अगर पोर्सिलिन मोटर एंड पेस्टल रहा तो उसका फंक्शन रहता है यूज़ फॉर ट्रैचुरेटिंग ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ सॉफ्ट पार्ट्स। ट्रैचुरेशन में यूज़ होता है वो भी सॉफ्ट पार्ट्स के। सो दिस वेर ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स। इफ यू फाउंड माई वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू।